जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फाइनली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड की स्कीम रिलीज हो चुकी है और मैं और आप सब आशा करते हैं कि ये आखिरी स्कीम होगी, इसके बाद से डेट चेंजेस नहीं होंगे। तो स्कीम क्या है दोस्तों, विश्वविद्यालय अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जो स्कीम जारी किया है, आगे उसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करना है, इतने कम समय में कैसे आप बेहतर से बेहतर नंबर पा सकते हैं, और मेरे सोच समझ से जो भी हेल्प होगा मैं डेफिनेटली करूंगा। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आपकी स्कीम क्या कहती है, कब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, पहला पेपर कब है, क्या है आपका एग्जाम पैटर्न। दोस्तों देखिए, ये है नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से। कहा गया कि सत्र 2022-23 के बीएड और एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधा आ जाते हैं यहाँ पे कि उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 21-9-2023 से प्रारंभ होकर 17-10-2023 तक संपन्न कराई जाएंगी। मतलब 21 तारीख से दोस्तों आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो अगर हम बीएड की बात कर लेते हैं कि बीएड की पहली परीक्षा कब है और कौन से विषय की परीक्षा है, तो दोस्तों आज जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी बीएड के प्रथम विषय यानी जहाँ साफ तौर पर देखिए ये डेट शीट आपने मिल चुका होगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे आपको कम समय में तैयारी करना है, मैं मैराथन वीडियोस लेके आऊँगा और जितने भी प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चंस कैसे आसान से शब्दों में, क्योंकि दोस्तों ये जो बुकलेट है ना इससे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आसान से शब्दों में समझने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए 21 तारीख से दोस्तों 21 तारीख को आपका पहला पेपर होने वाला है, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दोस्तों दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। 21 तारीख को आपका पेपर होगा, समय है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद काफी अच्छा गैप, मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना गैप की वजह क्या है, लेकिन इसकी 21 के बाद से दोस्तों सीधे अगला पेपर आपका कब है, 30 तारीख को है, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको हम सॉरी साइकोलॉजिकल शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा दोस्तों आपका फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड योगा आपका 4-10 को है, यानी कि अगले महीने में अक्टूबर में है 4 तारीख को। ठीक उसी प्रकार से 6 तारीख, अगर इन तीनों में से कोई एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो वो 6 तारीख को पेपर होगा सुबह 8 बजे से। और इसी तरीके से जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है उसकी डेट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दी गई है, जो कि 9-9-11-12-13-14-16-17। तो जो भी आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट हो, जैसे कि अगर आप मैथ लिए हैं तो आपका पेपर 9 को होगा, कंप्यूटर लिए हैं तो 11 को, कॉमर्स लिए हैं तो 12 को, इंग्लिश लिए हैं तो 13 को, 13 अक्टूबर को, और फिजिकल साइंस है तो 14 अक्टूबर, और हिंदी है तो 16, और अगर सोशल साइंस है तो 17 अक्टूबर। तो कुछ इस तरीके से आपका डेट दिया गया है। और अगर जिनका होम साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, लाइफ साइंस, उर्दू और संस्कृत है तो उनका दूसरे शिफ्ट में होगा, सामने आपके डेट दिए गए हैं। तो ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर किया गया आपका 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 एग्जाम डेट शीट। इस तरीके से आपका पेपर होगा। अगर हम वही बात कर लें दोस्तों कि बीएड फाइनल ईयर की सेकेंड ईयर की बात करें तो उनका 22 से पेपर है, और 22 के बाद से जो अगला पेपर है दोस्तों वो सीधे 3 तारीख को अगले महीने में, थर्ड पेपर 5 तारीख को है। तो दोस्तों पहले पेपर की तैयारी करेंगे हम सब, क्या करेंगे पहले पेपर, क्योंकि पहला पेपर 21 से, उसके बाद 9 दिन का टाइम है। आज से अगर हम बात करें तो आज से 21 तारीख आप पहले पेपर की तैयारी कर लीजिए, फिर उसके बाद से जो 9 दिन बचेगा उसमें आप दूसरे और तीसरे पेपर की तैयारी करिएगा, उस बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो मतलब डेट शीट काफ़ी सही से सेट किया गया, भरपूर समय मिलेगा। और एक और बात याद रखिए कि अभी जो आपके पास समय है ना, ऐसा नहीं है कि समय बीत गया है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नंबर 75-80% नंबर नहीं पा सकते, आसानी से पा सकते हैं। बस सिंपल क्या करना है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको समझना है। देखिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आप जो आप इस गाइड से पढ़ रहे हैं इसको याद करना बहुत कठिन है, याद करके अपने दिमाग में रखना बहुत ही कठिन है। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको नाम और वो जो डेफिनेशन है वो भूल जाना है। तो हम क्या करेंगे, आसान से शब्दों में कैसे अपनी बोलचाल की भाषा में सरल से सरल लैंग्वेज में इसको समझेंगे और समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं दोस्तों झांसी विश्वविद्यालय के लिए रेगुलर बेसिस पे मैराथन वीडियोस ले आऊँगा, जिसमें एक वीडियो में जैसे हमने 2022 का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद 2020, 2021, 2019 5 वीडियो में ऐसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, और एक वीडियो में मैराथन जो कि लॉन्ग में पूछे गए उन सबको हम समझ लेंगे। देखिए बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा इस पर और चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं या फिर पढ़ाई किए हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फिक्स क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। 2 शब्द हैं इसमें, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इन 2 शब्दों को समझ जाएंगे आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। पहला दर्शन,
अब जब दर्शन की बात करेंगे ना, दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन क्या है, दो शब्द हो गए, इससे सवाल कंफर्म आने वाला है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की अर्थ, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज, ये सारे। वहीं जब दर्शन की बात करेंगे तो आपके स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, इनकी सोच क्या थी, इनका दर्शन क्या था शिक्षा, और इनके अनुसार शिक्षा क्या था। बस ये दो आप याद रखिए, शिक्षा और शिक्षा दर्शन के ये तीन जो प्रमुख दार्शनिक रहे हैं इनके। और इसके अलावा एक और शब्द आता है, वो है वाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन चार बात। ये जो मैंने तीन शब्द कहे ना दोस्तों, इन तीन शब्दों से आप देखेंगे 20 से 25 नंबर के आपके सवाल हैं, इनसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बड़े आसान तरीके से। बस यहाँ तक खत्म हो गई दर्शन की बात। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब समाजीकरण क्या है, समाजशास्त्र क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, संस्कृति क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, और जाकि पूछे भी गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, पिछले साल के प्रश्नों में। तो हम बड़े ही सीरियस तरीके से जो हमारे पास समय बचा है, इस समय को सही यूज करते हुए आसान से शब्दों में समझेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ जुड़ेंगे। मुझे पता है शायद मेरे चैनल पे 86 के बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी बच्चे जुड़े हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का पेपर मैं सही तरीके से सॉल्व कराऊं, हल कराऊं, और उनको पेपर समझने में मदद करूं। इस वीडियो में हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज होगी आपके झांसी विश्वविद्यालय के फर्स्ट पेपर, बीएड के फर्स्ट पेपर के लिए, सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जिसमें मनोविज्ञानिक शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या मतलब होता है, जीन पियाजे हो गए, वायगोत्स्की हो गए, इन्होंने कैसे क्या रखा था, वो सारी चीजें, थॉर्नडाइक, पावलो, ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम पहले पेपर की तैयारी करेंगे दोस्तों फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल, दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य शिक्षा के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। 21 तारीख का आपका पहला पेपर है, लेट्स रॉक, लेट्स ब्रेक अ लेग, और हाउस द जोश, आई होप कि आप सबका हाई होगा, तैयारी अब जम के करनी है, साथ में पढ़ना है, साथ में जुड़ना है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, और अपने दोस्त को एक गिफ्ट के तौर पर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यकीन मानिए वो ये वीडियो पाकर डेफिनेटली खुश होने वाला है, क्योंकि अब जो वीडियो शुरू होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं झांसी विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके मैराथन क्लास के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2022 के फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पिछले साल के सारे सवालों को उत्तर के साथ आसान शब्दों में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, जय हिंद दोस्तों।